होने के बाद बाबूजी ने सन 1941 में राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी के आह्वान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में अपनी जन्म भूमि ग्राम सिकंदरपुर माल्टा से गिरफ्तारी देकर स्वतंत्रता आंदोलन में प्रथम बार अपनी आहुति डाली थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके एक साल के लिए गुजरात, जो पाकिस्तान में है, जेल में भेज दिया। महान स्वतंत्रता सेनानी एवं गांधीवादी स्वर्गीय बाबू मूलचंद जैन की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर करनाल के आईटीआई में उनकी प्रतिमा का उपायुक्त निशांत यादव ने अनावरण किया। याद रहे, बाबू मूलचंद जैन ने देश को गुलामी की बीड़ियों से मुक्त करवाने के लिए गांधीजी के विचारों का अनुसरण करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गए। गांधीजी के सिद्धांतों पर पूर्णता चलने के कारण उन्हें हरियाणा का गांधी कहा जाता है। बाबू मूलचंद जैन का जन्म 20 अगस्त 1915 को तत्कालीन रोहतक और अब सोनीपत जिला के तहसील गोहाना के गांव सिकंदरपुर माजरा में हुआ और 12 सितंबर 1997 करनाल स्थित आवास पर स्वर्गवास हो गया था। 12 सितंबर शनिवार को उनकी 23वीं पुण्यतिथि पर करनाल के बाबू मूलचंद जैन राजकीय आईटीआई में उनकी प्रतिमा का अनावरण करनाल जिले के उपायुक्त श्री निशांत यादव द्वारा किया गया। इस आईटीआई का नाम पहले ही बाबूजी की जन्म शताब्दी पर 2015 में हरियाणा सरकार की तरफ से बाबू मूलचंद जैन के नाम से रख दिया गया था। बाबू मूलचंद जैन को एक विचारक, लोक हितेशी, गांधीवादी नेता व समाज सुधारक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।